प्रिय शिक्षार्थियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं उपेंद्रनाथ तिवारी, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आपका स्वागत करता हूं। मैं शिक्षा शास्त्र विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षा स्नातक विषय के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के सिद्धांत के तृतीय खंड जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के मूल्य की 9वीं इकाई जनतंत्र और शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। जनतंत्र और शिक्षा। जनतंत्र का अर्थ, जनतंत्र का साधारणतया अर्थ शासन की उस प्रणाली से है जिसमें जनता अपना शासन व्यवस्था स्वयं चलाती है। जनतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और तंत्र, अर्थात जनता का शासन या जनता का नियंत्रण। जनतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिक से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ शक्ति तथा क्रेटिक का जनता से है, अर्थात जनता के हाथ में शक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जनतांत्रिक देश में शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है। यहाँ पर जनतंत्र के चार प्रमुख रूपों के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। राजनैतिक रूप में जनतंत्र का अर्थ, राजनैतिक जनतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रशासकीय वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का एक भाग होता है। जनता स्वतंत्र रूप से अपने मतदान के द्वारा जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है। इन्हीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने की व्यवस्था की जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि प्रजातंत्र वह सरकार है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। आर्थिक रूप में जनतंत्र का अर्थ, आर्थिक मामलों में सबको एक समान समझना आर्थिक जनतंत्र कहलाता है। आर्थिक जनतंत्र में समान रूप से कार्य करने, समान रूप से धन कमाने और व्यय करने का अधिकार है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अपनी योग्यता के अनुसार सबको धन अर्जित करने का अवसर दिया जाना ही आर्थिक जनतंत्र का मूल मंत्र है। यह प्रतियोगिता पर आधारित न होकर सहकारिता को अपना आधार मानता है। इसको परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि आर्थिक जनतंत्र से तात्पर्य है कि आर्थिक व्यवस्था में सबको समान रूप से उद्योग आदि करने का अवसर प्रदान करना है, न कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों को ही अवसर उपलब्ध कराना। हॉरेस एम कॉलिन ने आर्थिक जनतंत्र को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक शब्द में स्वतंत्रता और अकाल एक साथ नहीं रह सकते। स्वतंत्रता वहीं से प्रारंभ होती है जहां आर्थिक आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इन अबाउट फ्रीडम एंड फैमिन कैन नॉट लीव टुगेदर, फ्रीडम बिगिंस वेयर इकोनॉमिक नेसेसिटी एंड्स, हॉरेस एम कॉलिन। सामाजिक रूप में जनतंत्र, सामाजिक जनतंत्र से तात्पर्य है जन, धर्म या संपत्ति पर आधारित सभी भेदों का अभाव। इसमें सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों को समान समझना, समाज के किसी भी क्षेत्र में जाति, धर्म, लिंग, जन्म और वर्ग आदि का ध्यान दिए बिना अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपनी बौद्धिक योग्यता के आधार पर पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समाज में इस प्रकार के व्यवस्था को ही सामाजिक जनतंत्र कहा जाता है। आई एम कैंडेल के अनुसार एक आदर्श रूप में जनतंत्र जीवन की एक विधि है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उसके उत्तरदायित्व पर आधारित है। शैक्षिक रूप में जनतंत्र, शैक्षिक जनतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जाति, भेद, लिंग या वर्ग आदि बातों पर ध्यान दिए बिना समाज समान रूप से सबको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जनतंत्र में शिक्षा प्राप्त करना वास्तव में व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है। ईजे पावर ने लिखा है कि शिक्षा में जनतंत्र का अर्थ
कभी कभी व्यावहारिक होता है कि सभी लोगों के सभी बालकों को शैक्षिक अवसर मिले और वे उन सामाजिक भेदभाव आदि जो भी शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्व हों के बिना शिक्षालयों में पढ़ने के लिए उपस्थित हों। वार्ड ने जनतंत्र के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जनतंत्र जीवन यापन की एक रीत या तरीका है और जीवन यापन की रीत का तात्पर्य है कि जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित करना। जनतंत्र के प्रमुख आदर्श, जनतंत्रात्मक व्यवस्था के अपने आदर्श होते हैं। कुछ प्रमुख आदर्शों का वर्णन इस प्रकार है। भौतिक पदार्थों से अधिक मानव व्यक्तित्व को कीमती समझना और उसका आदर करना। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके इसके लिए उसे स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। जनतंत्र का विश्वास व्यक्ति की क्षमता, शक्ति, बुद्धि और योग्यता में है। इस विचार से जनतंत्र में सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है। जनतंत्र में समान अधिकार तथा आपेक्षिक उत्तरदायित्व होता है। जनतंत्र में धर्म को दूर रखा जाता है ताकि सांप्रदायिक संकीर्णता तथा कट्टरता आदि न हो। एमपी फोलेट के अनुसार जनतंत्र हमें आत्मानुशासन सिखाता है। इसी से लोगों में सामाजिक हित की चेतना आती है। जनतंत्र सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है। वाद विवाद की प्रविधि में विरोधी विचार का भी स्वागत किया जाता है। जनतंत्र में स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं होता बल्कि उसका अर्थ आत्मनियंत्रण से होता है। इसमें दूसरे का पूर्णतः ख्याल रखा जाता है। जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, जनतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने लिखा है कि जनतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी अधिक कुछ है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन एवं सम्मिलित रूप में दिए गए अनुभव की वृद्धि है। डेमोक्रेसी इज मोर देन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ कंज्वाइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस। अनिवार्य या मौलिक उद्देश्य, जनतांत्रिक शिक्षा के मौलिक या अनिवार्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सामाजिक दृष्टिकोण निर्मित करना, बालकों में सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करना जनतांत्रिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसका विकास होता है, अतएव शिक्षा के द्वारा बालकों में सामाजिक रुचियों की जानकारी करानी चाहिए, समाज को समझने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए तथा समाज में सहयोग के साथ रहने के लिए उत्साहित करना चाहिए। छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, किसी व्यक्ति का क्रियाकलाप उसकी आदतों का परिणाम होता है। प्रारंभ से ही इन आदतों का निर्माण होता है। युवावस्था प्राप्त हो जाने के पश्चात किसी भी आदत का निर्माण कठिन होता है। खराब आदत व अनियमित जीवन से छात्र आलसी और छोटे विचारों के हो जाते हैं और निर्धन भी हो जाते हैं। अतएव शिक्षा के द्वारा उसमें अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई कार्य या व्यवसाय को चुनता है, उससे अपनी जीविका का माध्यम बनाता है। अतः जनतंत्र में व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए व्यावसायिक कार्यकुशलता लाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जन सामान्य को कुशलता की प्राप्ति कराना, देश का कुशल व्यक्ति ही प्रजातंत्र को सफल बनाता है। कुशलता का अर्थ व्यक्त करते हुए इलियट ने लिखा है कि कुशलता से मेरा अभिप्राय स्वस्थ और सक्रिय जीवन में कार्य तथा सेवा की सार्थक शक्ति। इस शक्ति के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्ति में अच्छी रुचियों का विकास करना, जनतंत्र में अच्छे रुचियों वाले लोगों की आवश्यकता होती है। अतएव व्यक्तियों में शिक्षा के द्वारा
अच्छे रुचियों का विकास करना चाहिए ताकि व्यक्ति अच्छा कार्य करके अपना जीवन खुशहाल बना सके। उच्च आदर्शों को विकसित करना। जनतंत्र में हर व्यक्ति में ज्ञान, रुचि और आदर्श का विकास किया जाना चाहिए ताकि अपने ज्ञान और रुचि के अनुसार उचित स्थान प्राप्त कर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, तभी समाज में उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकेगा। छात्रों को नागरिकता का प्रशिक्षण देना। जनतंत्र में आदर्श नागरिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में समाज तथा राज्य के प्रति व्यक्तियों और अधिकारों का ज्ञान कराया जाए। समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाले व्यक्ति का निर्माण। जनतंत्र में नागरिकों को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के इस उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हुमायूं कबीर ने लिखा है कि शिक्षा को मानव प्रकृति के समस्त पक्षों के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानवीय विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी को समान महत्व देना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को सभी कार्यों के निष्पक्षता के साथ कार्य करने के योग्य बना सके। देशभक्ति का विकास करना। देश की एकता, अखंडता तथा चहुमुखी विकास के लिए बालकों में सच्ची देशभक्ति और देश प्रेम की भावना का विकास करना आवश्यक है। इसमें शिक्षा का योगदान अमूल्य है। नेतृत्व गुणों का विकास करना। जनतंत्र की सफलता नेतृत्व पर निर्भर करती है। शिक्षा द्वारा ही नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों जैसे निर्णय शक्ति, सहनशीलता, निष्पक्ष न्याय तथा बुद्धिमत्ता आदि का विकास किया जा सकता है। जनतंत्र और शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा जनतंत्र का मुख्य आधार है। शिक्षा पर ही जनतंत्र की सफलता निर्भर है। शिक्षित व्यक्तियों के अभाव में अशिक्षितों का वर्ग सत्तारूढ़ हो जाता है और शिक्षित वर्ग अशिक्षित सत्ताधारी वर्ग के अधीन हो जाता है। फलस्वरूप जनतंत्र का लक्ष्य ही नष्ट हो जाता है। शिक्षा एक आवश्यक साधन। शिक्षा ही व्यक्ति को समाजोपयोगी सदस्य बनाता है। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वह शिक्षा कहलाने योग्य नहीं है जो जीवन में उपयोगी न हो और जनतंत्र के लिए आवश्यक गुण न उत्पन्न कर सके। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया। शिक्षा इस प्रकार जनतंत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया तथा समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। यह विचार डीवी का है। अब इसे सभी स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जनतंत्र में शिक्षा वह साधन है जिससे व्यक्ति सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग लेने में समर्थ होता है। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है और शिक्षा व्यक्ति का निर्माण। संपूर्ण मनुष्य की शिक्षा। ईजे पावर महोदय ने अपनी पुस्तक एजुकेशन फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी में लिखा है कि अपने अत्यंत स्पष्ट और निष्पक्ष रूप में जनतांत्रिक शिक्षा का अर्थ है कि सामाजिक और राजनैतिक जनतंत्र या जनतंत्रवाद जो उसके शिक्षा के लिए आधार स्वरूप है, जिन्होंने एक जलवायु या सामाजिक वायुमंडल उत्पन्न कर दिया है जिसमें एक समझौता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता की बराबर मात्रा में सर्वाधिक शिक्षा के लिए अवसर अपनी रुचि एवं प्रेरणा के साथ पाए, ऐसी विधि में शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाए। इसके अतिरिक्त अमेरिकी जनतंत्र में जो शिक्षा प्रणाली है उसका लक्ष्य निम्नवत है। वैयक्तिक विकास और सामाजिक व्यवस्थापन के लिए सुविधा देना। प्रत्येक छोटे बड़े को सामाजिक शिक्षा देना जिससे उसे आत्मविकास की शिक्षा मिले। सामान्य नागरिक के लिए आधार प्रदान करना। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। उपरोक्त लक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि जनतांत्रिक शिक्षा संपूर्ण मनुष्य की शिक्षा है। जन शिक्षा। चूंकि जनतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है, अतः जनतंत्र में जन शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। शिक्षा सारी जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। जन शिक्षा बालकों तक ही सीमित न होकर सभी नागरिकों के लिए होती है।
बिना किसी भेदभाव के बालक तथा अभिभावक आदि सभी के लिए शैक्षणिक संस्थान खोले जाते हैं। लड़के लड़कियों में भेद किए बिना समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय की व्यवस्था उसकी सुविधा अनुसार सुबह, दोपहर, सायं अथवा रात्रि में होती है। सामान्यतः सभी प्रकार की बुद्धि वालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होती है। बाल केंद्रित शिक्षा। बालक जनतंत्र का आधार है, इसलिए बालक की शिक्षा जनतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। उनकी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उसके स्वाभाविक रुचियों एवं शक्तियों का विकास हो सके तथा उसकी अवहेलना या दमन किसी भी परिस्थिति में न हो। यही बालक आगे चलकर देश के नागरिक तथा नेता होंगे। विद्यालयी जीवन में बालक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय जांच होती है तथा रोगों का निदान किया जाता है। खेलकूद, व्यायाम तथा मनोरंजन के लिए सुविधाएं तथा सामग्री दिए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा जनतंत्र में बाल केंद्रित होती है। जनतंत्र और शिक्षा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनतंत्र और शिक्षा में बहुत ही गहरा संबंध है। जनतंत्र शासन की एक पद्धति ही नहीं बल्कि यह सामाजिक जीवन और विचारों तथा अनुभवों के दिन प्रतिदिन की एक शैली है। डीवी के इन्हीं उपरोक्त विचारों ने शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को जन्म दिया। जॉन डीवी के अनुसार प्रजातांत्रिक समाज को अच्छे गुणों के साथ पाठशाला में प्रशिक्षित करा देना चाहिए, जिससे बालक अपने आप को इस समाज का एक अंग समझे और उसके विकास में सक्रिय सहयोग दे। यह सत्य है कि प्रजातंत्र शिक्षा की सहायता के बिना कभी सफल नहीं हो सकता है। जनतंत्र में मतदान को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जनता का कल्याण तभी संभव है जब वह सोच समझकर मतदान करे। हैरिंगटन का कथन है कि जनतंत्रात्मक सरकार की सबसे बड़ी मांग शिक्षित जनता है, पूर्ण सत्य है। नागरिकों में मानवीय गुणों को विकसित करना जनतंत्र की मुख्य आवश्यकता है। जनतंत्रीय शिक्षा में पाठ्यक्रम। जनतंत्रीय पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं तथा उन अनुभवों को शामिल किया जाता है जो जनतंत्रीय आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करने में सहायक होते हैं। मेधावी छात्रों में स्वतंत्र रूप से सोचने एवं चिंतन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, व्यावहारिकता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में सामाजिक महत्व वाले विषयों को भी स्थान दिया जाता है। विज्ञान, कृषि, भाषा, प्रकृति अध्ययन, हस्तकौशल, कला, गणित, सामाजिक विषय, गृह विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में रुडयार्ड और हेनरी महोदय ने लिखा है कि सबसे विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय का वातावरण आता है, जिसमें सभी कोर्स, क्रियाएं, पढ़ना और संघ शामिल है, जिसका संबंध बालक से होता है। जनतंत्र और शिक्षा विधि। जनतंत्र में प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का चयन किया जाता है। जनतंत्र का मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, क्रियाशीलता एवं प्रगतिशीलता है। इस शासन पद्धति में शिक्षण पद्धतियों या विधियों की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। छात्रों में करके सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। छात्रों को स्वानुभव से सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया सहयोग के आधार पर संपन्न होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान प्रयोग एवं कार्यशाला विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षण पद्धति ऐसी हो जिसमें छात्रों में सहयोग, सुव्यवस्था और स्वानुशासन की भावना जागृत हो सके। इस दृष्टि से जनतंत्रवादियों द्वारा निम्नलिखित शिक्षण विधियों पर बल दिया जाता है। योजना विधि, डाल्टन योजना विधि,
ह्यूरिस्टिक अभिव्यक्ति पद्धति, प्रयोगशाला विधि, निरीक्षण विधि, समस्या विधि, कार्यशाला विधि, वाद विवाद विधि, समन्वय विधि, सहयोग विधि, क्रिया विधि, खेल विधि, सहसंबंध विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। जनतंत्र में शिक्षक, शिक्षक अति महत्वपूर्ण होता है। उसके व्यवहार, आचरण, विद्वत्ता, बुराइयों एवं अच्छाइयों का छात्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। शिक्षक को जनतंत्रात्मक भावना से प्रेरित होना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक एक मित्र, मार्गदर्शक, समाज सुधारक तथा नेता के रूप में होता है। छात्र और समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाना उसका दायित्व होता है। गुणों से युक्त शिक्षक ही इस दायित्व का निर्वहन कर सकता है। उसे नागरिकता के नियम से परिचित होने के साथ साथ जनतंत्रीय आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाला होना चाहिए। जनतंत्र और विद्यालय। जनतंत्रात्मक पद्धति का प्रमुख स्तंभ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता तथा कार्य स्वतंत्रता है। विद्यालय इन आदर्शों को स्थापित करने का प्रमुख साधन है। विद्यालय को निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। विद्यालय को हर तरह से साधन संपन्न होना चाहिए ताकि समाज के सभी बालकों को शिक्षा सुलभ हो सके। शिक्षण सामग्री, भवन यंत्र, उपकरण तथा खेल के मैदान आदि की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालय में बालकों की व्यक्तिगत रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बालकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए अभिभावक तथा विद्यालय में संपर्क होना चाहिए। बालकों की रुचि का पता लगाने हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण केंद्र स्थापित होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण जनतांत्रिक होना चाहिए। विद्यालयों में सदस्यों के मध्य प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति होनी चाहिए। समाज तथा राज्य से विद्यालय को सहयोग प्राप्त होना चाहिए। विद्यालयों में बालकों के कर्तव्यों एवं अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। बालकों को भी कुछ कार्य की जिम्मेदारी देनी चाहिए, इससे उनमें कर्तव्य की भावना विकसित होती है। जनतंत्र और अनुशासन। जनतंत्रात्मक शिक्षण में अनुशासन का विशेष महत्व है। इसमें अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जा सकता, बल्कि जनतंत्रात्मक वातावरण से अनुशासन की भावना स्वयं आ जाती है, जिसे हम आत्मानुशासन कहते हैं। अध्यापक को छात्रों से स्नेह और सहयोग का भाव रखना चाहिए। छात्रों के विचारों का समुचित सम्मान करना चाहिए, इससे छात्र स्वयं अनुशासित हो जाते हैं। अनुशासन थोपने की आवश्यकता नहीं होती। जनतंत्र में अनुशासन के मुक्त्यात्मक सिद्धांत पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार विद्यालय में अनुशासन की स्थापना के लिए स्वतंत्र उत्तरदायित्व ग्रहण करने और उसके निर्वहन करने की भावना पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही विद्यालय के विभिन्न क्रियाओं के आयोजन में छात्रों के स्वतंत्रतापूर्वक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जनतंत्र की सफलता की उपाय। जनतंत्र की भावना को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। किलपैट्रिक द्वारा 6 सिद्धांत या उपाय बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी हैं जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत निर्णय की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अधिकार के साथ सापेक्ष कर्तव्य भी होता है, इससे दूसरे का हित भी देखना हो। कार्य सहयोग से करना चाहिए, इससे लोक कल्याणकारी कार्य हो। बुद्धि, तर्कवाद, विवाद और शांति की विधियों से काम लेना चाहिए, इससे पाश्विकता दूर होगी। चिंतन करना तथा अपने विश्वासों को दूसरे के समक्ष रखना चाहिए, इससे समस्या का समाधान ठीक से होता है। जनतंत्र की कला स्वतंत्रता के साथ परस्पर मिलकर चिंतन करने की कला है। अनिवार्य शिक्षा चलानी चाहिए। अनपढ़ प्रौढ़ों को भी शिक्षा देनी चाहिए। उचित दृष्टिकोण बनेगा। छात्रों का अपनी रुचि के विषयों को चुनने और पढ़ने का अवसर देना चाहिए। शिक्षकों का भी शिक्षा व्यवस्था में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शिक्षण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
स्वशासन एवं अन्य क्रियाओं के संपादन में विद्यार्थियों को जनतांत्रिक संगठन बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। विद्यार्थियों को समाज के सुधारात्मक एवं संगठनात्मक कार्यों में उत्तरदायित्व के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सारांश: जनतंत्र का अर्थ जनता द्वारा जनता का शासन है। जनता जनतंत्र का सर्व प्रमुख एवं अनिवार्य तत्व होती है। जनतंत्र का भविष्य जनता की योग्यता पर निर्भर करता है और जनता की योग्यता उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है। योग्य नागरिकों का निर्माण करना जनतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम और विधियों का निर्धारण किया जाता है। शिक्षक इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में महती भूमिका होती है। वह बालक का मार्गदर्शन एक पथ प्रदर्शक के रूप में करता है। बालक के लिए विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिससे वह अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। जनतंत्र में आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। अतः जनतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा की महती भूमिका होती है। धन्यवाद।